नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलिनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 2 का 50 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज आगे के पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि 50 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो जाकर वीडियो को देख लें। आज 51 से शुरू करते हैं। इसमें बोल रहा है कि व्हेन ए मनी ऑर्डर पेड टू द रॉन्ग पर्सन एंड क्लेम्स आर्क टू पेमेंट बिफोर रिकवरी ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द रॉन्ग पर्सन, तो ऐसे केस में क्या होगा। मनी ऑर्डर जो है किसी गलत पर्सन को डिलीवर हो गया, जो सही पर्सन वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिकवरी के लिए, तो वैसे केस में क्या करना होता है। तो पेमेंट कैन बी मेड ऑन प्रॉपर सेंक्शन फ्रॉम द हेड ऑफ द डिवीजन। हेड ऑफ द डिवीजन से सेंक्शन होने के बाद पेमेंट किया जा सकता है। If the ADC of the BP article complained that he had been defrauded by the sender, ऐसे केस में सी आंसर हो जाएगा। The amount to be credited on the UCR and case refer to the head of the circle. The amount जो है वो UCR में क्रेडिट हो जाएगा और केस जो है हेड ऑफ द सर्कल को रेफर कर दिया जाएगा। An Indian postal order presented for payment not bearing the round money order stamp of office of issue. कोई पोस्टल ऑर्डर है जिस पर राउंड स्टाम्प नहीं है, जो ऑफिस इशू कर रहा है उसका राउंड स्टाम्प नहीं है, तो वैसे केस में क्या करना होता है। द कैन बी पेड आफ्टर नेसेसरी वेरिफिकेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ इशू, तो उसका भी पेमेंट कर दिया जाएगा जो नेसेसरी वेरिफिकेशन वो करने के बाद पेमेंट कर देना होता है। द केसेज इन विच डिफेक्टिव आई पी ओ वी पेड विदाउट रेफरेंस टू हायर अथॉरिटी, इसके लिए डी आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव है, विदाउट हायर अथॉरिटी के रेफरेंस के बिना कोई डिफेक्टिव आई पी ओ अगर पेड हो जा रहा है तो उस केस में क्या करना होता है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, जैसे कि द आई पी ओ वॉज फर्स्ट एनॉनिमसली रिसिप्टेड बाई अ पर्सन अदर देन द पे, इंटायर कैंसिल एंड प्रॉपरली रिसिप्टेड बाई द पे। अगला जो स्टेटमेंट बोल रहा है, रिसिप्टिंग सिग्नेचर ऑफ द पे स्कॉर्ड आउट बाई मिस्टेक और फॉर डिफेक्टिव वन एंड प्रॉपरली रिसिप्टेड। Whether the IPO was erroneously received and purchaser, it subsequently cancelled and received by the payee. तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। अगर कोई आई पी ओ डिफेक्टिव है और उसको हायर अथॉरिटी को रेफरेंस के बिना पेड किया जा रहा है तो द पीरियड ऑफ करेंसी ऑफ आई पी ओ विथ सेकेंड कमीशन, तो इसके लिए डी है। 36 मंथ है सेकेंड कमीशन के लिए जो पीरियड ऑफ करेंसी ऑफ आई पी ओ है। द आई पी ओ प्रेजेंटेड आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ करेंसी बट बिफोर द टाइम ऑफ फॉरफेचर, तो इसके लिए सी हो जाएगा। कैन बी पेड ऑन पेमेंट ऑफ सेकेंड कमीशन बाई मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टाम्प, उसको पे कर दिया जाएगा सेकेंड कमीशन लेके इन द फॉर्म इन द मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टाम्प। अगर कोई एक्सपायर हो चुका है पोस्टेज स्टाम्प तो उस केस के लिए है ये। वेन एन आई पी ओ इज लॉस्ट आफ्टर पेमेंट, कोई आई पी ओ हो जो पेमेंट के बाद गुम हो जाए तो उस केस में क्या करना होता है। तो बोथ ए और बी जो दोनों है, एन एप्लीकेशन शुड बी मेड थ्रू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल आस्किंग फॉर परमिशन टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। सेकेंड है, द एप्लीकेशन शुड कंटेन सीरियल नंबर एंड द डिनोमिनेशन ऑफ द मिसिंग ऑर्डर, ये दो चीज़ें करना होती है अगर कोई आई पी ओ पेमेंट के बाद लॉस हो जाए तो। एन आई पी ओ शुड नॉट बी पेड टू द पे इट, कौन से केस में मतलब आई पी ओ जो होता है वो पे को नहीं पे किया जाता है, इसके लिए बोथ द सिग्नेचर ऑफ इशू पोस्ट मास्टर अराउंड इम्प्रेशन वांटिंग शुड नॉट बी पेड टू द पे। अगर पोस्ट मास्टर का जो इशू पोस्ट मास्टर उसका सिग्नेचर और राउंड इम्प्रेशन अगर नहीं है उस पर तो ऐसे केस में पे नहीं किया जाएगा। रिफंड ऑफ वैल्यू ऑफ आई पी ओ कैन बी ग्रांटेड टू द परचेजर, जो आई पी ओ खरीद रहा है उसको रिफंड ऑफ वैल्यू कब ग्रांट किया जाता है, तो ए और बी जो स्टेटमेंट है उन दोनों केसों में उसको रिफंड ग्रांट किया जाता है। एट द ऑफिस ऑफ इशू ऑन प्रोडक्शन ऑफ काउंटर फाइल और द परचेजर इज नॉन टू द पोस्ट ऑफिस, या सेकेंड कंडीशन है एट एनी अदर एनी अदर ऑफिस ऑन प्रोडक्शन ऑफ काउंटर फाइल और द परचेजर इज नॉन टू द पोस्ट ऑफिस। एक तो जहाँ से वो खरीद रहा है उस पोस्ट ऑफिस से भी वो अपना रिफंड के लिए ग्रांट उसका हो सकता है, या फिर किसी और अदर पोस्ट ऑफिस में इस से भी वो करा सकता है अगर उसके पास काउंटर फाइल
परचेजर का है, अगर वो दिखा रहा है ऑफिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ काउंटर फॉयल और द परचेजर इज नॉन टू द पोस्ट ऑफिस। इन द केस ऑफ इनलैंड मनी ऑर्डर पेड सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट इज इशूड बाई द पोस्ट मास्टर ऑफ ऑफिस ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इफ द मनी ऑर्डर एक्नोलेजमेंट लॉस इन ट्रांजिट एंड रिमिटर अप्लाई फॉर इट। अगर वो मनी ऑर्डर जो है ट्रांसमिशन का एक जगह दूसरे जगह ले जाने में लॉस्ट हो जा रहा है तो वैसे केस में इसको किया जाता है। ऑल मनी ऑर्डर इंक्लूडिंग BPMO विल बी ट्रीटेड अ हाई वैल्यू मनी ऑर्डर। जितने मनी ऑर्डर है BPMO कब कंसिडर किया जाएगा, फॉर एन अमाउंट ऑफ 400 एंड अबव। जब कोई भी मनी ऑर्डर 400 या उससे ज़्यादा का होता है तो उसको BPMO की तरह ट्रीट किया जाता है। पेमेंट ऑफ क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर विल बी मेड थ्रू पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक और एनी ऑफ द बैंक। जो पोस्ट क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर होता है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक द्वारा पे किया जाता है या फिर एनी ऑफ द बैंक। बीओ स्लिप है प्रिपेयर्ड बाय, जो बीओ स्लिप होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो एसओ द्वारा बनाया जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम कैश बैलेंस फॉर ईच एसओ विल बी फिक्स्ड बाय, तो इसका डी हो जाएगा, डिविजनल सुपरिटेंडेंट जो होता है उसके द्वारा मिनिमम और मैक्सिमम कैश एक एसओ के पास कितना होना चाहिए वो फिक्स जो करता है वो डिविजनल हेड डिविजनल सुपरिटेंडेंट होता है। इफ ए मनी ऑर्डर कैन नॉट बी पेड ओइंग टू द डेथ ऑफ द पे, इस केस में बी हो जाएगा, इट शुड बी ट्रीटेड एज ए अनक्लेम्ड ऑर्डर। अगर जो पे ही है उसका डेथ हो गया है तो ऐसे केस में जो मनी ऑर्डर होगा उसको ट्रीटेड एज अनक्लेम, उसको अनक्लेम की तरह ट्रीट किया जाएगा। ए मनी ऑर्डर बुक्ड एट द वैल्यू ऑफ 1000 रिसीव फॉर पेमेंट विदाउट ऑबलॉन्ग स्टाम्प इम्प्रेशन, द मनी ऑर्डर शुड बी, इसका आंसर बी हो जाएगा, केस शुड बी रिपोर्टेड टू द ऑफिस ऑफ इशू डिटेनिंग द मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर को रखते हुए जो मनी ऑर्डर जिस ऑफिस ने इशू किया है उसको रिपोर्ट किया जाएगा। विटनेस इज नॉट नेसेसरी फॉर डिलीवरी ऑफ, इसके लिए जो बोल रहा है कि विटनेस कौन से केस में रिक्वायर्ड नहीं है, इसका आंसर ए हो जाएगा, रजिस्टर आर्टिकल्स को या टू एन इलिटरेट एड्रेसी, कोई इलिटरेट एड्रेसी है उस केस में विटनेस की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी सारे जो भी केस है उन समय विटनेस की ज़रूरत होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी ऑर्डर विच मे बी यूज इशूड फॉर पेमेंट बाई अ पोस्टमैन एंड ग्रुप डी इन अर्बन एरिया विलेज पोस्टमैन ईडी एजेंट। इसके लिए मैक्सिमम जो लिमिट है वो 12,000 रुपये है पोस्टमैन के लिए, 5,000 रुपये है ग्रुप डी के लिए अर्बन एरिया के लिए, विलेज पोस्टमैन जो होते हैं उनके लिए 5,000 रुपये है मैक्सिमम लिमिट। ए मनी ऑर्डर रिसीव्ड बट लॉस बिफोर पेमेंट, कोई मनी ऑर्डर रिसीव तो हो गया लेकिन पेमेंट से पहले अगर वो लॉस हो जा रहा है तो उस केस में क्या करना होता है, तो उस केस के लिए स्टेटमेंट दे रखा है, तो पहले आंसर देख लेते हैं कि ऑल ऑफ द अबव है, मतलब सारे स्टेटमेंट सही है, कोई मनी ऑर्डर रिसीव हुआ और लॉस हो गया तो उस केस के लिए द पोस्टमास्टर शुड देन गिव एन इंटीमेशन टू द ऑफिस ऑफ इशू बाय द टेलीग्राफ या फैक्स। जो पोस्टमास्टर होगा जो इशू मनी ऑर्डर जिस ऑफिस ने इशू किया है उसको फैक्स या टेलीग्राफ से इन्फॉर्म कर देगा कि जो मनी ऑर्डर का वो गुम हो गया पेमेंट से पहले, तो वो फिर से नया उसको या जो भी है अरेंज कराएंगे। आफ्टर रिसीविंग द इंटीमेशन टू द ऑफिस ऑफ इशू विल प्रिपेयर डुप्लीकेट मनी ऑर्डर इन MO 57 एंड फॉरवर्ड टू द ऑफिस ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस रजिस्टर पोस्ट। जब वो उसको इन्फॉर्म कर देगा तो फिर उसको डुप्लीकेट मनी ऑर्डर इशू करके उसको रजिस्टर पोस्ट से भेज दिया जाएगा। ए रिपोर्ट रिगार्डिंग टू द इशू ऑफ डुप्लीकेट मनी ऑर्डर शुड बी मेड टू द होम पोस्टल अकाउंट ऑफिस। जो रिपोर्ट है डुप्लीकेट मनी ऑर्डर इशू करने के लिए वो होम पोस्टल अकाउंट ऑफिस जो है वहाँ भी रिपोर्ट किया जाएगा। ये तीनों चीज़ें करना होता है अगर विदाउट पेमेंट कोई मनी ऑर्डर रिसीव हुआ लेकिन विदाउट पेमेंट वो लॉस हो जा रहा है। तो मेमो एडमिशन ऑफ पेमेंट इन फॉर्म MO 10 इज प्रिपेयर्ड, इसका आंसर ये हो जाएगा, व्हेन ए मनी ऑर्डर लॉस आफ्टर पेमेंट। 71 में बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ वायर्ड मनी ऑर्डर शुड ऑर्डिनरली बी मेड विद इन, इसका आंसर ये हो जाएगा, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द मनी ऑर्डर। एक साल जब वो डेट ऑफ इशू है जब वो मनी ऑर्डर इशू है उसके एक साल के अंदर तक
वायर मनी ऑर्डर शुड ऑर्डिनली बी मेड विद इन एक साल तक रखना होता है. 16 ऑफ द एवरी मंथ विल बी सेंड वायर डेमो लिस्ट टू डैश इन फॉर्म ऑफ मनी ऑर्डर 19B. इसका आंसर डी हो जाएगा. 16 ऑफ द एवरी मंथ हेड पोस्ट ऑफिस जो होता है HO जो होता है विल बी सेंड वायर डेमो लिस्ट टू पोस्टल अकाउंट ऑफिस. वायर मेल लिस्ट जो भी होता है उसको पोस्टल अकाउंट ऑफिस को भेज देता है हेड पोस्ट ऑफिस. मनी ऑर्डर स्टेशन बंडल प्रिपेयर्ड. मनी ऑर्डर स्टेशन बंडल जो होता है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. तो इसका आंसर सी हो जाएगा. टू और मोर मनी ऑर्डर फॉर पार्टिकुलर स्टेशन. कोई पार्टिकुलर स्टेशन के लिए दो या दो से ज़्यादा अगर मनी ऑर्डर है तो उसके लिए मनी ऑर्डर स्टेशन बंडल प्रिपेयर किया जाता है. मनी ऑर्डर बिकम वायर्ड वैन. इसका आंसर भी हो जाएगा. द मनी ऑर्डर नॉट पेड टू पे और रिमीटर एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू. वो वायर्ड कब माना जाएगा जब जिस मंथ में वो इशू है उसके लास्ट डेट तक अगर वो पे को या रिमीटर को पे नहीं हो रहा है तो उसको वायर्ड माना जाएगा. समरी ऑफ मनी ऑर्डर इशू एंड पेमेंट इज प्रिपेयर्ड इन. इसका आंसर ये हो जाएगा. MO 17 और MO 18 में जो भी मनी ऑर्डर होता है उसका इशू और पेमेंट का जो डिटेल्स समरी प्रिपेयर किया जाता है उसको मनी ऑर्डर 17 और मनी ऑर्डर 18 में प्रिपेयर किया जाता है. तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 2 जो था उसके ये दोनों पार्ट कवर हो गए. कल के वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन दिखाए थे, आज में 25 क्वेश्चन. इससे रिलेटेड 75 टोटल क्वेश्चन था. अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें. धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में.